हाय फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे हम आपका एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो पेज नंबर 287 पे है। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स। देखिए 68 लोगों की जो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है किसी लोकेलिटी में वो हमको गिवन है। फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर दैम। अब आपको क्या करना है, देखिए इससे इस डेटा से आपको जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होते हैं हमारे बेसिकली जो तीन, मीन मीडियन और मोड, आपको तीनों निकालने हैं। तो इस वीडियो में हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो मीडियन कर रहे हैं, क्योंकि मोड और मीन हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो वो आप पुराने वीडियोस में से जो हमारा मेथड है उसको देख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको मीडियन बता रहे हैं। तो मीडियन आपको कैसे निकालना है, देखा इस डेटा का मंथली कंजम्पशन है, देखिए यूनिट्स में, मतलब 65 से 85 यूनिट्स कितने कंज्यूमर्स ने कंज्यूम की है एक महीने में, तो वो है 4 लोगों ने। 85 से 105 की है 5 लोगों ने। ऐसे 13, 20, 14, 8 और 4। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास जो हम हमेशा पहले जो निकालते ही हैं सिग्मा एफ निकालते हैं। सिग्मा एफ हमको पहले से वैसे गिवन ही है, 68 है जो। अब देखिए हमको निकालना है मीडियन। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि मीडियन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता क्या है। देखिए मीडियन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एम ई, वो फॉर्मूला है हमारे पास एल प्लस एन अपॉन टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू एच, जो इंटरवल है हमारा। ओके, अब देखिए इसमें से हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। एन देखिए हमने निकाल लिया है, सिग्मा एफ ही एन होता है, तो एन हमारे पास गिवन है। अब देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी और ये एल कैसे निकालना है, ये इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए निकालते कैसे इसको, एन अपॉन टू सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। देखिए इसके लिए तो सबसे पहले हम यहाँ साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं एन अपॉन टू का। तो एन अपॉन टू हो गया हमारा 68 डिवाइडेड बाई 2, वो जो हो गया आपका 34। अब आपको क्या देखना है, जो ये 34 है, इस 34 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 35 हमको कहाँ जरूरत पड़ेगी, देखिए अब हमको यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने तो आपके आती ही होगी। देखिए कैसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले जो ये जो फ्रीक्वेंसी है तो इसको एज इट इज यहाँ उतार लेते हैं, 4 इनको ऐड कर लेते हैं। देखिए इसको इससे ऐड कर लेते हैं, 4 और 5 हो गया आपका 9, 9 और 13 हो गया आपका 22, 22 और 20 हो गया आपका 42, 42 और 14 हो गया आपका 56 और 56 और 8 हो गया आपका 64 और 64 और 4 हो गया आपका 68। ये जो टोटल है और ये जो लास्ट वाली जो फिगर है ये बराबर आनी चाहिए। इसका मतलब आपका जो आंसर है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वो सारी वैल्यूज़ आपने सही कैलकुलेट करे हैं। अब देखिए अब आपको क्या करना है, ये जो हमारा पास यहाँ पर n की वैल्यू आई थी n अपॉन टू की जो 34 आई थी, अब आपको क्या करना है, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपने कैलकुलेट की हैं इससे एग्जैक्टली जो बड़ा हमको, इससे जो ज़्यादा की जो वैल्यू हमको मिल रही है वो हमारी जो होगी वो होगी हमारी मीडियन क्लास। देखिए 34 से जो बड़ा वैल्यू एग्जैक्टली आ रहा है वो है 42। इसका मतलब जो ये वाली जो सारे फिगर्स हैं, ये सारे फिगर्स हम अपने क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। अब देखिए ये तो है हमारी फ्रीक्वेंसी एफ जो हमको जो हमने यूज करनी है, लोअर लिमिट हमको यूज करनी है। लोअर लिमिट देखिए हमारे पास पता चल गया हमको, लोअर लिमिट ये है एल 25, एन अपॉन टू हमारे पास है, एफ हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है, एच हमारे पास देखिए डिफरेंस है 85 माइनस 65 का, 105 माइनस 85 का, जो जित आ रहा है हमारा 20 का दिख रहा है आपको 65 से 85 तक, 85 में से आप 65 घटा देंगे, 85 में से 65 घटा देंगे तो 20 आपके पास आंसर आएगा, तो 20 हो गया आपके पास। ओके, तो वैल्यूज हम रख लेते हैं। एल की वैल्यू हमारे पास आ गई 125 प्लस एन ऑफ 12 हमारे पास आ गया 34 माइनस, अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बताता हूँ आपको मैं, 20 हो गया और ये एच हो गया आपके पास 20। अब देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है आपको जो ये हमारी मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास से पहले वाली, ये ध्यान रखना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली बात। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको एक पहली प्रिसीडिंग लेनी है। ओके, तो प्रिसीडिंग वाली आपके पास आ गई 32, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 125 प्लस ये हो गया आपका 12 अपॉन 20 इंटू 20। ओके, 20 से 20 हो गया आपका कैंसिल और 125 और 12 हो गया आपका 137। ठीक है, तो 137 आपका आंसर आ गया इसका जो हमारी मीडियन है। फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। ठीक है, तो बाकी आप जैसे ही आपके पास मीन और मोड से भी आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये वैल्यूज़ लगभग आसपास के ही आते हैं। 137 आ सकता है, 36 आ सकता है, 35 आ सकता है, लगभग आसपास के ही होते हैं क्योंकि ये सारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज ही हैं। हम चाहे कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं, चाहे हम मीन यूज कर रहे हैं, चाहे मोड यूज कर रहे हैं, चाहे मीडियन यूज कर रहे हैं वो सारे सेंट्रल
मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ही, मतलब हम क्या करना चाहते हैं कि जो डेटा के जो बीच का जो कहीं एवरेज है उसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो अब आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग और जहाँ पर आपको लगता है कि किस एप्लीकेशन के हिसाब से हमको कौन सा मेज़र यूज़ करना है तो वो आप यूज कर सकते हैं। एग्ज़ाम में बेसिकली होता क्या है कि एग्ज़ाम में तो आपको स्पेसिफिक गिवन होगा कि आपको इन तीनों में से एक ही निकालना होगा या तीनों ही निकालने होंगे। तो जब आप तीनों भी बेसिकली निकाल रहे होते हैं तो आपको करना क्या है, आपको ही दो निकाल के भी आप तीसरा यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बता देंगे। तो अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको मीडियन कैसे बेसिकली यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, थैंक यू।